الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدات أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے وہ چیز کیا ہے عاجزی تواضع اللہ کے خزانے میں کبریائی ہے عاجزی اللہ کی شان کے خلاف ہے اس لیے بندہ کی طرف سے جتنی عاجزی ہوگی جتنی تواضع ہوگی وہ بندہ اللہ سے بہت قریب ہوگا اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ دعاؤں کا اللہ کے یہاں بہت اکرام کیا جاتا ہے اس لیے کہ دعا میں بندہ عاجزی کرتا ہے اور دعا کرنے والا موحد ہے کیا مطلب موحد ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں اپنی عاجزی اپنی بے بسی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا وہ امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین مسکین سے مراد غریب نہیں ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور آپ کو دنیا میں لانا تھا اس لیے سارا کارخانہ سجایا گیا ہے اصل تو آپ ہیں آپ کی برکت سے ساری کائنات اللہ نے سجائی ہے اسی لیے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عاجزی اے اللہ میں زندہ رہوں عاجزی کے ساتھ میں مروں عاجزی کے ساتھ اور میرا تو حشر کرنا عاجز لوگوں کے سامنے جو عاجزی کرنے والے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والے ہیں وہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے آقا کے سامنے غلام کھاتا ہے کھانے میں بھی عاجزی
और रहमान के खास बंदों की सिफत कुरान ने बयान की है, इबादुर रहमान अल्लदीन यमशून अलल अर्द हौना, जो जमीन पर आजीजी के साथ चलते हैं, तवाज़ो के साथ चलते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मैं तो जब जमीन पर चलता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे गुनाहों की वजह से खुदा मुझे कारून की तरह धसा न दे। इंसान को बड़ाई जाहिर करने का, तकब्बुर करने का कोई हक ही नहीं है। इसीलिए इराक का एक नौजवान शहजादा जा रहा था और यूं कहता था, लोगों जानते हो मैं कौन हूं। जैसे कभी आप लोग गुस्से हो जाते बीवी पर तो कहते, तू जानती है मैं कौन हूं। तो बीवी के सामने अपनी बड़ाई बयान करता है, खुदा की बड़ाई नहीं बयान करता, तू जानती है मैं कौन हूं। तो वो कहने लगा, जानते हो मैं कौन हूं। दूसरों ने तो जवाब नहीं दिया, एक अल्लाह वाले बैठे हुए थे, इसलिए कि अल्लाह वाले जो है किसी की परवाह नहीं करते, सच बात कह देते। हजरत निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह का लंगर चलता था, बुजुर्गों के यहाँ खाना चलता है, तो वक्त का बादशाह कुछ रकम देता था। तो वक्त के बादशाह ने एक मरतबा एक मसला लिखा, सवाल, और ख्वाजा निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इस पर सिग्नेचर करो। ख्वाजा साहब ने पढ़ा, ये तो गलत है, ये नहीं कि लंगर का खर्चा उठाता है तो जरा नहीं। तो वो कागज गुलाम लेकर वापस गया, तो कहा, बादशाह सलामत, इन्होंने तो आपकी तौहीन कर डाली, आपके भेजे हुए कागज पर सिग्नेचर नहीं की। आप जो खर्चा उठाते हैं ना, वो खर्चा बंद कर दो। याद रखना, जितनी दीनी जगहें हैं, दीनी दरसगाहें हैं, दीनी काम हैं, करम है उस अल्लाह का अगर वो हमारा पैसा उसमें कबूल कर ले। देवबंद में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे, उस जमाने की बात है, एक हाजी साहब आए थे मदरसा देखने, मदरसे का सारा निज़ाम देखा, तो निज़ाम देखने के बाद कहा, 25,000 मेरे लिख दो, उस जमाने के 25,000। ठीक है, दो महीने हुए, तीन महीने हुए, तो खाली तयब साहब कहते हैं कि मैंने मौसम साहब को याद दिलाया कि वो हाजी साहब को जरा मैसेज भेजो, उस जमाने का जो भी तरीका हो मैसेज का। मोहतिम साहब कुछ बोले नहीं। फिर दो तीन महीने गुजरे, हजरत वो 25, मोहतिम साहब कुछ नहीं बोले। तीसरी दफा जब कहा तो कहा, मियां तय्यब, इनकी रकम इस काबिल नहीं है कि खुदा दालों में लगावे। ठीक है, लिखा दिया उन्होंने। तो ख्वाजा निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि बादशाह ने ये तय किया कि आइंदा लंगर का खर्चा नहीं उठाएंगे, तो बावर्ची को बुलाया, कितने का पकाते हो, कि इतने का, कल से डबल कर दो। अरे कुछ समझ में आ रही है कि जा रही है, कल से डबल कर दो, वहां खर्चा बनवा या डबल कर दो, ताकि इसकी खोपड़ी भी जरा। एक बुजुर्ग आज से 100 साल पहले, उनके एक मुरीद ने 1,00,000 रुपया हदिया भेजा। 100 साल पहले, आज के लाख कितने होंगे,
घर भर जाएगा ना। और चिट्ठी के नीचे लिखा, हजरत इस जमाने में आपको ऐसा कोई मुरीद नहीं मिलेगा जो अपने शेख को लाख रुपया हदिया दे। हजरत समझ गए, चिट्ठी के पीछे लिखा, तुझे ऐसा कोई पीर भी नहीं मिलेगा, ले जा तेरे लाख रुपये वापस कर दे, ऐसा कोई पीर नहीं मिलेगा। एहसान जताता है। अल्लाह ताला जिसकी रकम कबूल कर ले तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, मैं असल बात क्या कह रहा था? लंगर तो हो गया, इराक का नौजवान। तो अल्लाह वाले तो साफ साफ सुना देते हैं, इसलिए कि उनको किसी से लेना बहना नहीं है, जो बात होती है कह देते हैं। एक बादशाह ने मकान बनाया और लोगों को, बड़े लोगों को जरा ये होता है कि लोग हमारी चीज की तारीफ करें। लोगों को बुलाया, भाई देखो हमारा ये बंगला। अरे बादशाह सलामत, आपके बंगले में कोई कमी? बिल्कुल नहीं भाई, आप तो ही है, ऐसा बंगला तो किसी का नहीं होगा। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, उस जमाने में इनको फकीर कहते, फकीर फकीर फांसे फाका, काब से कनाअत, जितना मिल गया इतना काफी है, या से यादे इलाही, और रा से रियाजत मुजाहदा। वो फकीर होते थे अल्लाह वाले। आज जमाने के फकीर फांसे फालूदा, काब से कोरमा, या से यखनी, और रा से रोटी यानी होजरी। बुलाया, हजरत कोई कमी है कि दो कमी है? उन चापलों सो को तो कोई कमी नजर नहीं आई, दो कमी है, है? मेरे बंगले में हाथ, आपके बंगले में क्या कमी है? एक तो ये बंगला हमेशा नहीं रहेगा, और एक आप उस बंगले में हमेशा नहीं रहेंगे। है हिम्मत किसी के किसी सेठ के सामने कहने की? इसलिए कि गरज लगी हुई है, वो सेठ अपनी जगह का है, अपने क्या। तो शाहजादा ने कहा, जानते हो मैं कौन हूं? तो अल्लाह वालों ने कहा, जानता हूं, नापाक नुतवे से बना है, और जब तक जिंदा रहेगा गोबर लेके चलता रहता है पेट में, और जब मरेगा तो सड़ेगा, ये तू है। गोबर गाड़ी है, गोबर गाड़ी। मैं कौन हूं? अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, तो नेमत पर इतराहट पैदा नहीं होगी। एक जवान को अल्लाह ने बहुत रूप दिया था, जवानी भी और रूप भी। तो लोग कह रहे थे, भाई तेरी खूबसूरती पर तो बहुत ताज्जुब होता है। तो वो काबू में नहीं रहा, अलयाजुबिल्ला, उसने कहा, हाँ हाँ अल्लाह को भी ताज्जुब होता है। उसी वक्त एक बालिश्ता का खुदा ने बना दिया, जा उसी वक्त अपने जबान के बोल को संभालो। हमेशा हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और सबसे बड़ी नेमत हिदायत है। हिदायत हिदायत किसी के हाथ में नहीं है, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए ख्वाजा अबू तालिब आपके क्या होते थे? चचा, हकीकी चचा। ऐसा ख्याल रखा है आपका कि आपसे पहले औलाद को नहीं खिलाया, आपसे पहले खुद ने भी नहीं खाया,
और ढाल बनकर रहे, इसलिए कि गलत बात जब फैल जाती है तो सच बात लोगों को समझ में नहीं आती। और बाज लोग होते हैं ऐसे कि गलत बात को सही बात का लिबास पहनाते हैं। जैसे किसी आदमी ने दुकान खोली, बिल्कुल 100% प्योर दूध, लेबल तो लगा दिया और बड़ी बड़ी कैने भी हैं, लेकिन इसमें है पानी। क्या है? कोई ग्राहक लेने आएगा? पानी बेच रहा है, ऊपर बोर्ड तो दूध का है। अब इसको अपना पानी बेचना है तो पानी को दूध का लिबास पहनाता है। जानते हो दूध का लिबास पहनाना? जानते हो? हां कहे तो मुसीबत। पानी को दूध का लिबास पहना दिया, यानी दूध में पानी मिला दिया। वो जमाना अच्छा था, इस जमाने में लोग दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, यानी पानी कम, दूध कम, पानी ज्यादा। ये हवस कराती है, हवस। हवस तो आग है, हवस जो है ना वो आग है, सब जला देती है। जैसे घर में आग लगी, अल्लाह हिफाजत करे, तो कपड़े भी गए, फर्नीचर भी गया, रुपये भी गए, कुरान शरीफ है तो वो भी जल गया। होता नहीं होता ओ मुसलमानों? होता ही नहीं होता? कुरान शरीफ भी जल गया। हवस एक ऐसी चीज है कि आदमी से अंदर के उसके दीन को भी जला देती है। बड़ी खतरनाक चीज है हवस, ख्वाहिशात आग है, और आग का कभी पेट नहीं भरता। किसी मोहल्ले में आग लग गई तो चार घरों को जलाकर हो ये करके बैठ जाएगी, डकार आ जाएगी, उसको पूरा मोहल्ला साफ कर देगी, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगी। ऐसे ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता है। जिसने ख्वाहिशात में कदम रखा वो गया बलम बाउरा, कुरान में इसका तस्करा है। बहुत बुजुर्ग था, सूफी था, और एक नियमत अल्लाह ने उसको ऐसी दी थी कि जब भी हाथ उठाता था अल्लाह इसके हाथ उठाने की लाज रख लेता था, दुआ कबूल हो जाती थी। कितनी बड़ी नियमत है जवानी, कितनी बड़ी नियमत है तंदुरुस्ती, कितनी बड़ी नियमत है। दो पैसे अल्लाह ने दिए हैं, किसी का मोहताज नहीं बनाया, कितनी बड़ी नियमत है। अच्छा मकान, वक्त पर खाना, कितनी बड़ी नियमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि चलो भाई एक जगह जाना है मुकाबले के लिए, तो ये लोग बलम बाउरा के पास आए कि बलम एक काम करो, ये मूसा जो लोगों को लेके जा रहे हैं वह हमारी हिम्मत नहीं है कौम जब्बारीन के पास जाने की, और हो सकता है कि मूसा हमारी जमीन को भी कब्जा कर लें और उनको दे दें। तुम ऐसा करो, ऐसी बद्दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात के लिए कि वो वहां न जा सके, वापस आ जाए। अब ये दुआ की जो नियमत मिली थी कहां इस्तेमाल कर रहा है? नबी के खिलाफ। जवानी कहां इस्तेमाल हो रही है? मालदारी कहां? तंदुरुस्ती कहां? तो देख रहा है। बलम बारूना का नहीं, ये नहीं होगा। शुरू में तो आदमी बहुत नॉर्मल चलता है, लेकिन बहुत सारी लालच दी और फिर डायरेक्ट तो नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट, यानी बीवी को जरिया बनाया कि समझाओ नहीं इसको, इतना सारा दे रहे मानता नहीं। तो बीवी के सामने तो अच्छे अच्छों के घुटने टेक जाते हैं, आपके नहीं टेकते?
मान गया। अरे क्या कर रहा है यार, जो कहे ऐसा तू करेगा, जो लोग पहने ऐसा तू पहनेगा, लोग जैसा चेहरा बनाए तू बनाएगा। अल्लाह ने तुझे नियामत दी है, ईमान की हिदायत दी है, क्या कर रहा है तू? तो वलम बाहुरा ने मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ बददुआ के लिए हाथ उठाए। तो जबान किसके काबू में है? अल्लाह ने उसी की जबान से उसी के खिलाफ बददुआ करवा दी, नबी के खिलाफ। और जबान खींच कर खुदा ने सीने पे डाल दी। और कुरान कहता है फमसलहु कमसलिल कल्ब, ये बुजुर्ग नहीं है, ये तो कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ते की क्या सिफत होती है? इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुहु यलहस, कोई बोझ रखो तो भी जबान बाहर, और बोझ न रखो तो भी जबान। अरे कुत्ता देखा ही नहीं देखा? हवस हवस। और खुदा ने उसी वक्त उसके बदन पर लकवा डाल दिया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन ये दो बोल कहने की भी तौफीक नहीं हुई, ये अल्लाह मेरा तो कालिब भी गया, कल्ब भी गया, अंदर का भी गया, बाहर का गया, माफ कर ले, ये दो बोल की तौफीक नहीं हुई। और तीन दिन इसी हालत में रहकर मर कर दुनिया से चला गया। मेरे भाइयों, अपने आप को बहुत संभालना पड़ेगा। हर वक्त अल्लाह की नियामत का शुक्र, हर वक्त अल्लाह की नियामत का शुक्र, हर वक्त। तो हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। तो ख्वाजा अबू तालिब ढाल बनकर रहते थे आप अलैहिस्सलाम के। एक मर्तबा कुरैश के बड़े बड़े सरदार गए, कहा अबू तालिब भतीजे को समझा दो। तो अबू तालिब ने जरा दिल पर ले लिया, तो भतीजे को बुलाया कि बेटा अपना काम करो, किसी को इधर उधर की मत कहो। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि चचा ने भी हाथ उठा लिए हैं। आप वहां से उठे, आपकी आंख मुबारक में आंसू थे। चचा ने देख लिया, कहा बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जो दीन का काम करना हो कर। लेकिन दीन का काम लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए कि बहुत से ऐसे से जो बेदीनी को दीन का लिबास पहनाते थे, जैसे लोग पानी को दूध का लिबास पहनाते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम मेहनत फरमाते रहे, घर के लोग मुखालिफ हो गए। एक मरतबा अबू जहल जो है ना, अबू जहल, अल्लाह का अजीब निजाम है, हजरत सोहेब को रूम से लाकर हिदायत दी, हजरत बिलाल को हबशा से लाकर हिदायत दी, और अबू जहल को मक्का में रहकर खुदा ने बर्बाद कर दिया। अबू जहल कहां पैदा हुआ था मालूम है? अबू जहल की मां तवाफ कर रही थी, और तवाफ करते करते उतर पड़ा था। उस वक्त तो वो लोग भी तवाफ करते थे, तवाफ करते करते उतर पड़ा, हरम में पैदा हुआ। तो हरम में पैदा होने से क्या होता है? अच्छा, बात दफा आदमी जिद में आता है, समझता है कि ये सही है। जैसे अबू जहल से किसी ने कहा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो कि बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, फिर मानता क्यों नहीं कि हमारे खानदान के नहीं है, हमारे खानदान के नहीं है। आप अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ते थे, तो अबू जहल, अखनस बिन शुरेक और एक दूसरा तीसरा रात को चुपके से आकर कुरान सुनते थे, चुपके से। अब कुरान तो कुरान है, चंद दिनों के बाद कहने लगे भाई अब मत आओ वरना काम से जाएंगे, काम से जाएंगे कि ठिकाने लगेंगे, कुरान वाली जिंदगी भर आएंगे कि काम से जाएंगे। तीनों ने तय किया कि नहीं आएंगे। जब वो वक्त आया
तो तीनों में से हर एक ने सोचा कि वो दो तो आएंगे नहीं, मैं जाके सुन लूं। तीनों फिर जमा हो गए। अरे भाई कल क्या क्या करे यार, रहा नहीं जाता। एक दफा अबू जहल आप अलैहिस्सलाम के पास आया, आपने फरमाया था मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, बहुत तकलीफें पहुंचाई है, बहुत तकलीफें पहुंचाई है। मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन तो अच्छा था, किस एतबार से कि मरते मरते कलमा पढ़ता गया, लेकिन जब कलमा पढ़ने लगा तो जिब्राइल ने गारा उसके मुंह में ठोंस दिया। एक मरतबा जिब्राइल अमीन फिरौन के पास आए, जिनकी कुन्नियत अबुल अब्बास थी। कुन्नियत उसको कहते हैं कि जिसका पहला बेटा हो उसकी कुन्नियत लगा दी जाती है, जैसे अबू हनीफा ऐसी अबू जहल। तो उसके अबुल अब्बास, तो जिब्रील आए इंसानी शक्ल में कि अबुल अब्बास जरा ये बताओ, कोई गुलाम अपने आका की नाफरमानी करे तो इसकी क्या सजा है, कि इसको दरिया में डिबो दो, कि जरा फतवे पर सिग्नेचर करो। फिरौन से सिग्नेचर करवाई और जब डूबने लगा ना तो इसका फतवा पेश किया, देखिए तेरा ही लिखा हुआ है कि जो अपने आका की नाफरमानी, इसको डिबो दो। तो डूबते डूबते वो कलमा पढ़ने लगा तो जिब्रील अमीन ने गारा ठोंस दिया। तो फिरौन वो अच्छा था कि पढ़ते पढ़ते भी कलमा पढ़ता गया, और ये नालायक जब इसको कत्ल किया तो वो यूं कह रहा था, आज मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी दुश्मनी है, इससे पहले कभी नहीं थी। आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुट्ठी बन, नबी जी अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ये बतलाने आए हैं, किसकी मुट्ठी में क्या है, किसके जेब में है, वो बतलाने आए हैं। आपने फरमाया मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज ये बताए कि मैं कौन हूं। कंकर लेकर आया था, तो कंकरों में से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कंकर फेंक दिए कि तुम भी फिर गए हो, मेरे हाथ में रहकर अल्लाह अल्लाह है। उसी अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा को रदी अल्लाह ताला अन्हु बनाया। तो जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। इससे पहले पहले ये बड़े बड़े मढेरे जो हैं अबू जहल वगैरह, वो अबू तालिब के चारों तरफ बैठ गए थे। अबू तालिब देखो भतीजे की वजह से बाप दादे का दिन मत छोड़ना, आप दूर से कहते हैं चचा एक दफा कलमा कह दो, मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा, आपको फिक्र थी। लेकिन मेरे दोस्तों तीन चीजें ऐसी हैं जिससे आदमी के अंदर जो हिदायत की सलाहियत है वो जल कर खत्म हो जाती है, वो जल कर खत्म हो जाती है। हर एक में अल्लाह ने दुनिया में आने वाले हर बच्चा, कुल्लु मौलूद युलदु अलल फितरा, हर आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर आता है, फिर माहौल इसको फअबवाहु युहव्विदानी ही औ युनस्सिरानी ही औ युमज्जिसानी ही। माँ बाप यहूदी हैं तो यहूदी बनता है, माँ बाप ईसाई हैं तो ईसाई बनता है, और माँ बाप मजूसी हैं तो मजूसी बनता है। माहौल जैसे हर गेहूं के दाने में रोटी की भी सलाहियत है और खेती की भी सलाहियत है, खेत में बोओगे तो खेती और पिसा कर खाओगे तो रोटी, किसके लिए कि गरीब के लिए भी बादशाह के लिए भी। ऐसे ही हर आने वाला इंसान दुनिया में जो आता है वो हिदायत की सलाहियत लेकर आता है, मगर तीन चीजें ऐसी है, ये तो शैतान कहलवाता है कि मौल साहब अल्लाह हिदायत न दे तो हम क्या करें। नहीं नहीं नहीं, हिदायत का बीज हर एक के अंदर है, मगर तीन जहरीले बीमारी ऐसी हैं कि जिससे हिदायत का बीज और सलाहियत जल कर खत्म हो जाती है। पहला तकब्बुर,
और सबसे बड़ा तकब्बुर, एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे पूछा, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, कोई आदमी कपड़ा अच्छा पहने, जूता अच्छा पहने, ये तकब्बुर है? आपने फरमाया ना, अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, पहनो। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर दो चीजों का नाम है, हक बात सामने आवे फिर न माने, सबसे बड़ा तकब्बुर है। ये हक बात सामने आ गई, हक क्या है, बातिल क्या है, उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, फिर भी आदमी जिद पर है, यह बहुत बड़ा तकब्बुर है। ये तकब्बुर की वजह से अंदर की हिदायत की सलाहियत जलकर खत्म हो जाती है। जैसे फिरौन, वजहदू बिहा वस्तैकनतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा, के तकब्बुर की वजह से उसने मूसा अलैहि सलाम की बात को ठुकराया है। वरना जब फिरौन पर हालात आते थे, हालात 9 तरह के हंटर अल्लाह ने इसको मारे हैं, 9 तरह के, ताकि सुधर जावे। एक अजाब आया खून का, कपड़ों में खून, बिस्तर में खून, खाने में खून, पानी में खून। कभी आदमी फजीलत सुनकर दीन पर आता है और कभी फजेता होने के बाद आता है। अब कितनी बड़ी चीज है मूसा अलैहि सलाम के पास। अच्छा, इतनी कि मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले जिस कुएं में डोल डाले तो वो डोल में पानी आवे, और उसी कुएं में वो डाले तो खून आवे। कौन कर रहा है? फिर उन्होंने कहा कि ओ बनी इसराइल, तुमने जो डोल में पानी निकाला है, निकालने के बाद हमारे डोल में डालो। तो जब तक बनी इसराइल के डोल में पानी, वो जब उनके डोल में जावे तो खून। ऐसा करो, तुम्हारे मुंह में कुल्ली करके हमारे मुंह में डालो, तो जब तक बनी इसराइल के मुंह में तब तक, और उनके मुंह में। एक अजब अल्लाह ने यह भेजा, मूसा अलैहि सलाम के पास आया, या मूसा दुअ लना रब्बक, ए मूसा अपने रब से दुआ कर दो ना, है ना। यूं तो हम लोगों को उलमा नजर नहीं आते, लेकिन कोई परेशानी आती है, कोई उलझन आती है, मौल साहब इमाम साहब कहाँ गए, क्या काम है, मैं दुआ कर दूँ मौल साहब। तो इमाम साहब तो 20 साल से हैं यहाँ, तो तुझे नजर नहीं आए क्या मौल साहब? नॉर्मल हालात थे, इसलिए इमाम साहब की क्या जरूरत है। लइन कशफ्त अन रिज्ज लनुमिनन लक वलनुरसिलन माक बनी इसराइल, क्या कह रहा है मूसा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो जो बनी इसराइल मैंने कब्जे में लिया है ना, आपके छोड़ दूंगा और आप पर ईमान लाऊंगा। तकलीफ, मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की, तकलीफ दूर हो गई, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब भी है, हैं? होता है, गाड़ी फंस गई तो मौली साहब याद आते हैं, गाड़ी फंस गई तो बुजुर्ग याद आते हैं, जब दुआ का धक्का लगा फिर वही रफ्तार। अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा, दूसरा अजाब भेजा मेंढक का। मेंढक जानते हो क्या कहते हैं मेंढक को? मेंढक का अजाब भेजा, कपड़ों में मेंढक, खाने में मेंढक, पानी में मेंढक, एक मारो 10 पैदा हो जाए। ए मूसा, फिर आया, दुआ की, मेंढक का अजाब गया। अल्लाह ने अजाब भेजा जुओं का, जुए पड़ती है ना औरतों के कपड़ों में और बालों में, हर जगह जुए, लेकिन नहीं माना, तकब्बुर की वजह से नहीं माना। तो अगर हक बात सामने आवे और आदमी जिद में आए कि भाई, जैसे अबू जहल ने कहा था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची लेकिन वो अपने नहीं है, तो बात दबा आदमी बात सुनता है कि बात तो सही लेकिन अपने नहीं है भाई, है? जैसे किसी के दाड़ो घड़ियाल, दाड़ो जानते हो, हाँ, गुम हो गई और ऐसे शख्स को मिली जिससे उसकी अनबन थी, वो इशारा आया, भाई ये घड़ी आपकी है? हाँ हाँ मेरी है, ले लो। नहीं लूंगा इसलिए कि तू लेकर आया है, फूटी तेरी। अबू जहल उसी में कहता, फिरौन उसी में कहता। तो एक तो तकब्बुर, दूसरी चीज कि अगर मानूंगा
तो मेरा सारा ठाट खत्म हो जाएगा, चौधराहट खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज कि अगर मैंने बात मानी तो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा आप भी वहां चले गए, इतने समझदार होकर आप भी इनकी बातों में आ गए। जैसे आप अलैहि सलाम ने अबू तालिब को समझाया, चचा एक दफा कलमा पढ़ लो, लेकिन चारों तरफ के लोग कान में बातें कर रहे थे, मत पढ़ना मत पढ़ना। तो अबू तालिब ने कहा, एक जुमला कहा, अख्तारुन्नार अलल आर, भतीजे कलमा पढ़कर तेला कलीजा ठंडा कर देता, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा चौधरी मरते वक्त बाप दादे का दीन छोड़ दिया और भतीजे के दीन पर मरा, इसलिए मैं ताना बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जहन्नम की आग मुझे बर्दाश्त करनी पड़े। ये तीन चीजें ऐसी हैं, अपना मकाम चला जाएगा, अपनी चौधराहट चली जाएगी, या फिर तकब्बुर की वजह से, या लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से अगर वो दीन पर नहीं आया तो अंदर में जो हिदायत की सलाहियत रखी है वो जलकर खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की नियामतों पर शुक्रगुजारी, अल्लाह के खजाने से नियामतों के दरवाजे खुलवाने के लिए शुक्रगुजारी का अमल करना चाहिए। शुक्रगुजारी, जबान से भी अल्लाह का शुक्र, दिल से भी अल्लाह का शुक्र, और अमल से भी अल्लाह का शुक्र। लेकिन अल्लाह ने एक शिकायत की है हमें, हमसे अल्लाह ने शिकायत की है, वकलीलुम मिन इबादिय शकूर, कि मेरा शुक्र करने वाले मेरे बंदे बहुत थोड़े हैं। हमें इन थोड़ों में से बनना है, हमें इन। और शैतान का क्या है हमला, वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, तेरे अक्सर बंदे तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। और शैतान ने जब अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, धुतकार दिया, तो उसने अल्लाह से कहा, क़ालफ बिमा अगवैतनी, क्या कह रहा है ये अल्लाह, तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह किसी को गुमराह करता है? फिर उसने कहा, ठीक है, जैसे आप अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जिन्नात और शयातीन आसमानों पर जाते थे और कुछ वहां की बातें कुछ अपनी बातें मिलाकर लोगों को गुमराह करते थे, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। तो शैतान ने कहा, भाई क्या हुआ, तहकीक तो करो, अपना जाना क्यों बंद हो गया। तहकीक की कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और उनकी एक उम्मत होगी। शैतान ने कहा, आने दो नबी को और आने दो उनकी उम्मत को, हम भी एक चाल चलेंगे। इस उम्मत को जहां उनके नबी फरमाएंगे वहां उनका माल और जान नहीं लगाने दूंगा, ख्वाहिशात पर लगा दूंगा, ये हमारे एक प्लान है। हो रहा है, हो रहा है। तो क्या कहा उसने, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ। उलमा जानते हैं कितना भारपूर्वक, इतना कितना वजन है अरबी ग्रामर के एतबार से, अगरचे आजकल के उलमा भी अरबी ग्रामर नहीं जानते। لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है ना, लायदु बिल्ला, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। इसीलिए एक मर्दों सहाबा इकराम आए, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे वसवसे आते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं अल्लाह के बारे में कि बस अंदर से जी चाहता है कि कोयला बन जाए जलकर, हम इसको जबान पर नहीं ला सकते। आपने फरमाया, अच्छा इन वसवसों से तुम्हें तकलीफ होती है कि इतनी तकलीफ कि जलकर अंगारा हो जावे? आपने फरमाया, ज़ाका सरीहुल ईमान, ये तो खालिस ईमान की अलामत है, खालिस ईमान की अलामत है, इसलिए कि ईमान ने बतलाया कि यह चीज गलत है। ईमान है तो बतलाया ना, और ईमान है इसलिए अंदर में तकलीफ हुई कि अल्लाह की शान के बारे में ऐसे वसवसे डालता है कि जलकर कोयले हो जाएं। और आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से
मेरी उम्मत पर से वसवसों की पकड़ खत्म कर दी गई है, वसवसों का कोई पकड़ नहीं है, और शैतान वसवसे में डाल देता है। एक शैतान ऐसा है जो पाकी नापाकी के वसवसे में डालता है, आदमी की पाकी होती नहीं है, दो दो करता है, और कितनी दफा चेहरा धोएगा, कितनी दफा हाथ धोएगा, अरे क्या कर रहा मौल साहब, या नहीं धुला मौल साहब, या नहीं धुला, अरे छोड़, शरीयत ने 3 दफा धो ले खत्म। एक बुजुर्ग थे, नमाज के लिए खड़े हुए, शैतान ने कहा मसा नहीं हुआ है, गए नमाज शुरू की, दूसरे दिन फिर आया मसा नहीं हुआ है, गए फिर मसा किया, तीसरे दिन के बगैर मसे के पढ़ूंगा, तुझे कबूल करनी है, मेरे अल्लाह को कबूल करनी है, गया दुम दबा कर। उसका काम ही वसवसे डालना, जिसका खतरा उसी का खतरा, जिसका खतरा उसी का खतरा, पेशाब करके आया, हे खतरा हे खतरा, अरे गीला खतरा जा, बाकी हासिल कर ले, बस खत्म हो गई बात। शैतान वसवसे लाता है और वसवसों के जरिए से परेशान करता है, हाँ, इसलिए इसके चक्कर में नहीं आना। अच्छा, वसवसों को दूर करने की कोशिश भी नहीं करना, ये याद रखना, नमाज में वसवसे आवे कि नमाज के बाहर आवे, अगर कोशिश करने गए, जैसे इलेक्ट्रिक का तार जा रहा है, अब इसको पकड़ लिया तो चिपक जाओगे ना, हाँ, दूर करने गए तो चिपक जाओगे, इसलिए कि दिल तो एक रास्ता है, हाईवे रोड है, गधा भी चलेगा, खिंजीर भी जाएगा, घोड़ा भी जाएगा, टैक्सियां भी चलेगी, तू क्यों परवाह करता है, आने दे इन ख्याल, ख्याल लाना नहीं है, ख्याल मत लाओ, वसवसे खुद पैदा मत करो, अगर आ जाए तो इसकी परवाह भी ना करो। तो शैतान ने कहा तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इसलिए कि चोर उसी जगह जाता है जहां कुछ होता है। एक शख्स जेब में पैसे लेकर या कोई, तो भाई लोग उसी के पीछे लग जाते हैं ना, जानते हो भाई, हाँ लग जाते हैं। और एक आदमी गोबर की टोकरी उठाकर जाता है तो भाई लगेगा, बेईमानों के पास तो गोबर की टोकरी है, वहां शैतान जाके क्या करेगा, ईमान वाले के पास डायमंड है, ईमान का डायमंड है, दीन का डायमंड है, अल्लाह के ताल्लुक का, तो शैतान यहां चोरी करने आएगा, इसलिए कहा सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर क्या करूंगा, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, आगे से हमला करूंगा, आगे से हमला करूंगा, आगे का हमला क्या होगा, गोली मारेगा, आगे का हमला क्या होगा, क्या आखिरत आगे है, कब्र आगे है, जन्नत आगे है, मौत आगे है, पुल सिरात आगे है, सब भुलवा दूंगा, ये आगे का हमला है। वमिन खल्फिहिम, पीछे से आऊंगा, दुनिया पीछे है, दुनिया पीछे है, इसी में लगा दूंगा, इसी के लिए झूठ बुलवाऊंगा, इसी के लिए सूद दिलवाऊंगा, इसी के लिए लोगों के हुक्म बनवाऊंगा, तो आगे थी उसको भुलवा दिया, पीछे जो थी इसको इसमें लगा दिया। आदमी कहता मौल साहब वक्त नहीं मिलता, मौल साहब वक्त नहीं मिलता, तो वक्त तो रोजाना आता जाता है, नहीं जाता, सुबह कहता मौल साहब आंख नहीं खुली, शैतान ने सुला दिया, अरे तेरे आराम ने सुला दिया, शैतान ने कहा सुला दिया। इसीलिए याद रखना, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, और यहाँ सुसाइड में तो बहुत हैं, अच्छा है, अच्छा है, पैदा ही दिया जाए तो उम्मत में इजाफा होगा, तो वो तहज्जुद के वक्त में कोई ना कोई बच्चा जरूर रोएगा, तजर्बा करना, तजर्बा करना, ये रोता क्यों है, अब्बा उठो अब सोने का वक्त नहीं है, अम्मी उठो अब सोने का वक्त नहीं है, अब अल्लाह की याद करने का वक्त है, ये है, आंख तो खुल जाती है, लेकिन शैतान कहता है सो जा अभी रात बहुत लंबी है, तो शैतान ने सुलाया कि तेरे आराम ने सुलाया, शैतान को क्यों बदनाम करता है। वान ईमानिहिम वान शमाइलिहिम, दाहिनी तरफ से हमला करूंगा, दाहिनी तरफ से,
क्या करेगा दाहिनी तरफ से, इसलिए कि दाएं हाथ से अच्छा काम किया जाता है, दाएं हाथ से पानी, खाना, सदका, बच्चे के सर पर हाथ फेरना, यानी जितनी तुम नेकियां करोगे ना दाएं हाथ से, यानी नेकियां करोगे उन सारी नेकियों को बर्बाद कर डालूंगा। ये दाहिनी तरफ का हमला है। वान शमा इलिहिम, और जितनी बुराइयां हैं वो तुमसे करवाऊंगा। जब तुम इस पर आ गए तो अल्लाह के नाशुक्रे बन गए। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरी, इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी में शुक्र की आदत डालो। एक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो रात को जब देर से घर जाते थे सफर वगैरह से, तो देखा सब सोए हुए, तो अपनी चारपाई पर बैठते और बैठने के बाद यूं कहते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। तो जब इन्होंने दूसरों के सामने बयान किया तो पूछा, हजरत किस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? कि भाई मैं घर गया तो माशाल्लाह पूरी फैमिली सोई हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमार नहीं। कितने घराने ऐसे हैं जो अभी दौड़ते होंगे दवा खाने में, कितने घराने ऐसे होंगे जो किसी वजह से परेशान होंगे। इसलिए इस सारे नेमत को देखकर मैं कहता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है। अब हिदायत की नेमत मिलेगी किसको? हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया और कलमा नहीं पढ़ा तो आप अलैहि सलाम को बोझ पड़ा, आप गमगीन हो गए, मेरा चचा बगैर कलमा के चला गया। लेकिन याद रखना, अबू जहल भी बगैर कलमे के मरा, अबू लहब भी बगैर कलमे के मरा, और अबू तालिब भी बगैर कलमे के दुनिया से गए। आप अंदाजा करना, ख्वाजा अबू तालिब का नाम आता है तो दिल में यह होता है, क्या अच्छा होता कलमा पढ़ लेते। अबू जहल का नाम आता है तो गुस्सा आता है, अबू लहब का नाम आता है तो गुस्सा आता है, हालांकि तीनों बगैर ईमान के गए। ये फर्क काहे का कि उन दोनों ने आप अलैहि सलाम को सताया है और अबू तालिब ने अगरचे कुफ्र की हालत में आपका साथ दिया है। मेरे भाइयों, खाली कुफ्र की हालत में साथ देने से दिल में ये है कि काश के अबू तालिब कलमा पढ़ लेते, तो अगर वो कलमा हमने पढ़ा है और वो कलमे वाली जिंदगी गुजारेंगे तो फिर अल्लाह हमें क्या देगा। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, और दुश्मनी इसी वजह से है। अबू लहब हमेशा आप अलैहि सलाम की मुखालफत ही करता था, हर वक्त चचा है, सगा चचा है। हालांकि जब आप अलैहि सलाम की पैदाइश हुई तो अब्दुल्ला और अबू लहब दोनों भाई थे, तो उसने सुना मेरे भाई अब्दुल्ला के घर लड़का पैदा हुआ, इतना खुश हो गया कि अपनी बांदी आजाद कर दी, इतनी मोहब्बत का इजहार किया, इतनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन बाद में ऐसी दुश्मनी की कि आप अलैहिस्सलाम लोगों को दीन समझाने जाते थे तो वो आगे आगे कहता था, इसकी बात मत मानना, इसका दिमाग ठीक सही नहीं है, और ढेले मारता था। लेकिन याद रखना, अल्लाह की दीन की मुखालफत कभी मत करना, न समझ में आवे अल्लाह से समझ मांगना। अबू लहब चौधरी था, और अबू लहब को लहब इसलिए कि लहब के माने अंगारा, बहुत खूबसूरत था, और उसके उसके ताइफ में बड़े बड़े अंगूर के बागात थे, मालदार था, लेकिन मुखालिफत की आप अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आई। क्या पकड़ आई? कि उसके बदन में फोड़े पैदा हो गए और इन फोड़ों में बदबू पैदा हुई, तो उसके बेटों ने उसको घर से फेंक दिया बाहर, और इसी हाल में इसकी मौत आई, चौधरी है, मौत आई। अब उनके लोगों ने मक्का में मराओ, मौत आई, कब्र खोदी और कब्र में उसको रखा तो कब्र ने उछाल कर फेंक दिया, फिर रखा, फिर उछाल कर फेंक दिया,
फिर रखा, फिर उछा कर फेंक दिया। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तूने पूरी पूरी जिंदगी जिद में आकर, बावजूद ये कि तू समझता था कि सच बात है, मेरे प्यारे नबी की मुखालफत की है, तू इस काबिल नहीं कि तेरा जनाजा मक्का के सरजमीन में दफन किया जाए। बहुत डरने की जरूरत है, बहुत डरने की जरूरत है। अब क्या करें इसको? तो जैसे मरे हुए जानवर को लोग लकड़ी के जरिए से धकेल धकेल कर ले जाते हैं, ऐसे उसको भी ले गए, दो पहाड़ों के बीच में डाला और ऊपर से पत्थर डालकर लोग चले आए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, किसी दीन के काम की मुखालफत नहीं करने की, अल्लाह से इसकी तौफीक मांगने की। तो सबसे बड़ी नेमत हिदायत। हिदायत अल्लाह किसको देगा? यहदी इलैहि मय्यूनीब, जो अल्लाह की तरफ आएगा फकीर बनकर, ये अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, ये अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। और जो हिदायत की मेहनत करेगा, दो चीजें, मेहनत और दुआ, मेहनत और दुआ, इसके जरिए से अल्लाह हिदायत देता है। अब हिदायत है क्या चीज? हिदायत क्या चीज है? उलमा ने लिखा है अल हिदायत नूरुन, हिदायत एक नूर है। यक्ज़िफुहुल्लाहु फी क़ल्बि इम्रिइन मन शा, अल्लाह अपने जिस बंदे के बारे में और जिस बंदी के बारे में चाहता है उसके दरवाजे, उसके दिल के दरवाजों को खोलकर अंदर में हिदायत का नूर दाखिल कर देता है। अब हिदायत का नूर आया तो क्या होगा? युबय्यिज़ु बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल। अब हिदायत के नूर में उसको नजर आएगा हक क्या है और बातिल क्या है। युमय्यिज़ु बिही बैनल खैरि वश्शर, हिदायत के नूर के जरिए से खैर और शर दोनों में तमीज होगी। युमय्यिज़ु बिही बैनल हसनति वस्सय्या, नेकी और बदी में तमीज करेगा। अब पूरा नजर आ जाएगा इसको, ये हिदायत का नूर है। इसलिए अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हिदायत मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल हुदा, कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे। लेकिन एक दुआ कुरान में और भी है, इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं दो दुआएं जरूर मांगनी चाहिए। कितनी? एक दुआ हदीस में है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्का वरजुकनत तिबा, ये अल्लाह हक बात समझा दे और उसके पीछे मुझे चला दे। वारिनल बातिला बातिला, और बातिल मुझे समझा दे और तुम उससे बचा दे। ये दुआ जरूर मांगनी चाहिए। दूसरी दुआ कुरान की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ये अल्लाह हमें हिदायत मिलने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना। मालूम हुआ हिदायत के बाद भी गुमराही आ सकती है। हाँ, इसलिए हिदायत कोई अपनी जागीर नहीं है, हिदायत अल्लाह की एक नियामत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कुरान ने ईमान वालों की सिफत बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, ए अल्लाह तारीफ है तेरी, तूने मुझे, तूने हमको हिदायत दी है। अगर तू हिदायत न देता तो हमें हिदायत हासिल नहीं हो सकती थी। यही हिदायत है कि अल्लाह ने रोजे रखने की तौफीक दी है, यही हिदायत है कि अल्लाह ने तरावी पढ़ने की तौफीक दी है, यही हिदायत है कि अल्लाह ने दुआ में रोने की तौफीक दी है, यही हिदायत है कि अल्लाह ने सर झुकाने की तौफीक दी है, ये हिदायत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहन को मिलने गए, वो हमेशा ऊपर रहते थे, ऊपर यानी छत पर नहीं, हमेशा आखिरत की फिक्र में रहते थे। बहन को मिलने गए ईशा की नमाज पढ़कर, दहलीज में कदम रख, दहलीज समझते हैं ना, दरवाजे का जो पत्थर होता है वो, एक कदम दहलीज पर एक कदम दहलीज से बाहर खड़े हो गए। बहन समझ गए कि गए ऊपर, वो पूरी रात खड़े रहे। फज्र की अजान हुई, होश आया, नमाज के लिए जाने लगे। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खंजर मारा गया तो अक्सर बेहोशी रहती थी, लेकिन अजान होती थी तो कान में कहा जाता था, या अमीर अल मुमिनीन अस्सला, आप बेहोश हैं, अस्सला, फौरन होश में आते थे और यूं कहते ई वल्लाह,
हाँ खुदा की कसम, बेहोश से होश में आ जाते थे। ई वल्लाह, हाँ खुदा की कसम, जिस शख्स की जिंदगी में नमाज नहीं उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। ये हजरत उमर फरमाया करते रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु यही फरमाते थे, होश में है नहीं है, बेहोश है, लेकिन अजान सुनकर लोग कान में कहते थे तो होश में आ जाते थे। अब मैं आपसे पूछूं, मैं असल बात क्या कह रहा था? गई भैंस पानी में, हिदायत तो मिल गई। अरे बीच में हजरत उमर का किस्सा कैसे आ गया, किस बात पर? बिशरा हाफी रहमतुल्ला अलैह फजर की अजान हुई तो जाने लगे, तो बहन ने कहा भाई कहाँ जाते हो? कि नमाज के लिए। तो क्यों आए थे? कि तुझसे मिलने के लिए। हाँ, पहले जमाने में लाज रखी जाती थी कि बिशरा हाफी की बहन ने एक मसला पूछा उलमा से कि ये सरकारी लाइटें जो हैं, सरकारी लाइटें, उसके नीचे बैठकर मैं टोपियाँ बुन सकती हूँ, घर में लाइट नहीं है। तो उलमा ने पूछा तुम कौन हो कि मैं बिशरा हाफी की बहन हूँ, कि आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपकी निस्बत देखो किसके साथ है, आपको तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। हालांकि कोई हर्ज नहीं है, जितना आदमी तकवे वाला होगा इसमें इसकी ज़िंदगी में इतना एहतियात आएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में माल गनीमत में मुश्क आया, मुश्क, अब नहीं है मुश्क, का मका के लिए मुश्क अंबर, कुछ भी नहीं है मुश्क अंबर, अगर ज़्यादा ना घिसो तो धब्बे धब्बे हैं मुश्क अंबर। हाँ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई कोई है जो ये मुश्क लोगों में तकसीम कर दें? तो बीवी आतिका ने कहा मैं हूं। फिर हजरत उमर ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई है जो तकसीम कर दे? तो बीवी ने कहा मैं हूं ना। फिर कहा कोई है? तो एक शख्स आया और उसके जरिए से सबको मुश्क तकसीम करवाया, सबका हिस्सा था। तो बीवी ने कहा यह तो मैं नहीं कर सकती थी, दो दफा मैंने कहा कि मैं हूं कि तू कर सकती थी, लेकिन तू मुश्क तो हाथ में पकड़ना पड़ेगा और पकड़कर लोगों को देना पड़ेगा, तो तेरे हिस्से का तो आने ही वाला था, लेकिन तू जो हाथ में पकड़ेगी इतना मुश्क तेरे पास ज्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने तुझसे तकसीम नहीं करवाया। एहतियात तो देखो, एहतियात, और ज्यादा दुनिया के पीछे न भागो, दुनिया तो आएगी दौड़ती हुई आएगी, अततित दुनिया वही रागिमा, नाक रगड़ती हुई आएगी और इज्जत के साथ आएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ा, लोग परेशान। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर हैं, हजरत उमर ने इत्तला भेजी अमर लोग बहुत परेशान हैं, अनाज भेजो। तो अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की खबर आई, ऊंटों का काफिला भेज रहा हूं, पहला ऊंट मिस्र में और अखीर का ऊंट मदीने में, इतना बड़ा काफिला। जब वो काफिला आ गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ऐलान किया जो राशन ले जाना चाहे राशन ले जाए और जो खाना खाना चाहे आ जाए। लोग आए, एक शख्स जंगल में रहते थे, एक बकरी का बच्चा था, वो ख्वाब में सोए तो ख्वाब आया, ख्वाब में सोए कि सोने में ख्वाब आया, क्या होता है? अच्छा, अब उन्होंने सोचा कि मैं मदीना जाऊंगा, बकरी का बच्चा लाओ, पहले ज़िबा करूं और ज़िबा करके कुछ खा लूं फिर जाऊं। जब ज़िबा किया तो दो तीन कतरे खून निकला, बाकी खून नहीं निकला। तो इन्होंने कहा अल्लाह इतना भारी कहत है कि जानवरों के अंदर का खून भी खुश्क हो गया। अब थोड़े लेटे तो नींद आ गई, आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, उमर से कहो तू तो बड़ा समझदार था। आए वो मदीना, आए, हजरत उमर का दरवाज़ा खिटखिटाया,
कौन? अना रसूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का कासिद हूँ। तो हजरत उमर भूल गए कि कौन सा जमाना है, ये समझे कि अल्लाह के नबी का जमाना है, तो नंगे पांव दौड़े और दरवाजा खोला, भाई कौन हो? कि मसला ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जमाना नहीं है ये, मैंने जंगल में था और ये हुआ और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया उमर से कहो तू तो बड़ा समझदार था। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अपनी फिक्र हो गई, या अल्लाह मुझसे क्या हुआ, मुझसे क्या हुआ, मैंने तो लोगों की हमदर्दी में अनाज मंगवाया था, लोगों को जमा किया, भाई बताओ मुझसे भूल क्या हुई है कि ख्वाब में ये तंबी आई। एक बड़े मियाँ खड़े हुए, उमर तुमने अमर पर खबर क्यों भेजी? ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बारिश मांगने की नमाज बताई है, वो नमाज तो आपने पढ़ी नहीं सलातुल इस्तिस्का, और हजरत अमर पर आपने खबर भेज दी। हाँ ये भूल हुई है, ये भूल हुई है। लोगों को ले गई मैदान में और दुआ मांगनी शुरू की नमाज के बाद, बादल आने लगे, बादल और बादल एक दूसरे से टकराने लगे, यानी हर बादल ये चाहता था मैं मदीना पहले पहुंचूं, मैं मदीना पहले पहुंचूं, और हर बादल में से आवाज आ रही थी अताकल गईस या अबा हब्स, अताकल गईस या अबा हब्स। अबू हब्स हजरत उमर की कुन्नियत, ए उमर बादल आ गए, बारिश आ गई और बादलों में से आवाज आ रही थी चलो मदीने उमर ने बुलाया है, चलो मदीने उमर ने बुलाया है। ओ मेरे भाइयों, हमारी राह ये है, जब हिदायत होती है तो आदमी को ये तौफीक होती है। ठीक है, दुनिया दारुल असबाब है, लगेंगे, लेकिन सबसे पहला सबब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया है वो दुआ है और नमाज है। इसी के आदत डलवाने के लिए रमजान दिया था, है ना, इसलिए जब ईद का दिन होता है तो अजान नहीं होती, लेकिन बगैर अजान के मजमा पहुंच जाता है ना, बोलो नी यार, क्या अजान होता है? ऐसी कैफियत बनी है रमजान में कि बगैर अजान के ईदगाह में, अल्लाह करे जिंदगी का हमारा यह मामूल बने। हाँ, दूसरी बात, जुमा की नमाज में पहले खुतबा होता है कि पहले नमाज होती है, और ईद की नमाज में पहले? हाँ, यानी लोग ये कहते हैं कि इमाम साहब खुतबा बाद में पढ़ना, पहले नमाज पढ़ाओ, नमाज से इतना दीनी लगाव पैदा हो गया है, बगैर अजान के आ गए और सबसे पहले, बोलो नी यार, नमाज। अल्लाह ताला वो कैफियत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। रमजान गुजारना बहुत आसान है, एक माहौल होता है, आपने नीयत की है के सुबह साजिश से लेकर रात के 12 बजे तक कुछ पता नहीं, गुरु भी आफ्ताब तक नहीं खाना, नहीं खाना। साहबा कराम के जमाने में एक दौर ऐसा गुजरा है कि इफ्तारी कर ली और इफ्तारी के बाद थोड़ी देर नींद आ गई, अब खा नहीं सकते हो, ऐसा हुआ तो बहुत से साहबा परेशान हो गए, तो कुरान की आयत उतरी कि खाओ, इफ्तारी के बाद खाओ, कब तक खाओ? हत्ता तबयना, कोई हाफिज है रमजानी, लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, के दो धागे हो, एक सफेद और एक काला, देखते रहो जब दोनों साफ नजर आ जाएं कि ये सफेद और ये काला, खाना बंद करो। समझना, कुरान की आयत है, कुरान की आयत सहाबी भी नहीं समझ सके, और आजकल कुरान की आयत समझने के लिए डॉक्टर साहब आप आओ, इंजीनियर साहब आप आओ, वकील साहब आप आओ, प्रोफेसर साहब आप आओ, डिस्कस करो इस आयत का क्या मतलब है, तो कुरान समझेगा तू, तो कुरान समझेगा, जो चाहे मतलब लगा दिया। ईसाई खिंजीर का गोश्त डिब्बे में भरते हैं,
तो क्या कहते हैं, वो तो इन्होंने भरा है, अहले किताब है, इसलिए खिंजीर का गोश्त जायज है। ये उम्मत को तबाह करेगा। ये जो चाहे कुरान को समझेगा, कुरान एक माहौल में उतरा है और समझने के लिए माहौल की भी जरूरत है। जैसे एक जुमला है, क्या बात है, कौन सा जुमला है, क्या बात है, आज तो हाफिज साहब ने कैसा कुरान पढ़ा, तो इसका मतलब और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा ना, क्या मतलब, क्या क्या बात है, और ये क्यों कहा, क्या बात है भाई, इसका तो हम भी कर सकते हैं, यानी नॉर्मल, क्या बात है, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, क्या बात है, इनसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये कागज पर हम आपको लिख दे दें, फर्क करोगे, बोलो ना, वो तो माहौल की वजह से फर्क होगा कि कौन से मौके पर कहा गया। एक आदमी से कहा गया पानी लाओ, तो प्यासा आदमी था तो गिलास में लाया। एक आदमी बाथरूम में गया और पानी आता नहीं था, खिटखिटाया पानी लाओ, तो गिलास में ले जाओगे, गिलास में ले जाओगे, इस्तंजे के लिए गया। और एक आदमी बाथरूम में गया पानी लाओ, तो लोटे में ले जाओगे, कुछ समझ में आ रही है, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, कागज पर लिख दो तो फर्क हो जाएगा। वकील साहब तुम भी बोलो, डॉक्टर साहब तुम भी बोलो, ये कुरान डिस्कस की चीज है, है? मैं फोन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जी 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 जी, फर्क हुआ क्या, मतलब फिर बोलो, समझा नहीं हूं। ओ मुसलमानों, समझते हो, कुरान के समझने के लिए 15 वॉल्यूम की जरूरत है, तर्जमा देखकर तो कुरान समझेगा। तो सहाबी रजी अल्लाह तआला अनु, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अनु, जब यह आयत उतरी, हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, खाते रहो जब तक सफेद और काला दोरा साफ नजर ना आ जाए। इन्होंने अपने तकिए के नीचे, अपने तकिए के नीचे सफेद रखा और काला रखा, खाते जाते थे देखते जाते थे, खाते जाते थे देखते जाते थे, यहाँ तक कि सूरज निकल जाता तब नजर आता था काला और सफेद। तो आप अलैहिस्सलाम को पता चला, तमीम तुम्हारा तकिया कितना चौड़ा है कि रात भी आ गई उसमें दिन भी आ गया। अरे ये मतलब नहीं है, काले धागे से मुराद रात और सफेद धागे से मुराद सुबह सादिक, यानी खाते रहो यहां तक के सुबह सादिक हो जाए। तुम तो दो दो धागे लेकर तकिए नीचे बैठे हो, खाते रहते हो, कुछ समझ में आ रही है, है? हाँ, इसलिए दीन को अपनी अकल से मत समझना, उलमा की रहबरी में समझना। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي العلى الوهار الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجتا ولا كربا إلا نفستا ولا درا إلا كشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد
ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम वअनतिल वुजूह लिल हय्युल क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر تحل بها العقد وتفك بها الكرب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ یہ تیرے گنہگار بندوں کا مجمع اور اقراری مجرموں کا مجمع جن میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہیں اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں تیرے دربار میں آئے ہیں ایک اپیل لے کر آئے ہیں ایک اپیل لے کر آئے ہیں اے اللہ دنیا والے دنیا کے بڑوں کے پاس اپیل لے کر جاتے ہیں تو ان کے اپیل قبول کی جاتی ہے آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے مالک الملک ہے اے اللہ یہ پورا مجمع پاپیوں کا مجرموں کا گنہگاروں کا احسان فراموشوں کا نمک حراموں کا مجمع آیا ہے اے اللہ ایک ہی آواز ہے مالک معاف کر دو مالک معاف کر دو مالک معاف کر دو جا رہا ہے رمضان آخری رات ہے اے اللہ بھیک مانگنے آئے ہیں جولی بچھانے آئے ہیں آپ کو راضی کرنے آئے ہیں ناراض بہت کیا ہے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ آپ کی رضا مندی سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی بڑی نعمت نہیں اور آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے پیارے نبی علیہ السلام پر طائف میں حالات آئے چھوٹے بچوں نے پتھر مارے آپ لہو لہان ہو گئے آپ کی پنڈلی مبارک سے خون نکلا اور خون کی وجہ سے جوتیاں خون میں چپک گئی لیکن آپ اخیر میں فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر تو ناراض ہے تجھے راضی کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اے اللہ تجھے راضی کرنے کا موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے اور تو دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا تیری بات مانے بغیر راضی نہیں ہوگا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے تراوی میں کتنے سجدے کرنے کی توفیق دی اے اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی اے اللہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دی تیرے گھر میں زیادہ وقت گزارنے کی توفیق دی اے میرے مولا لیکن یہ وقتی چیز نہ ہو یہ ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے اور ہماری زندگی کا جوز بن جائے اور تو اس پر ہمیں جمع دے اور تو اس پر چلا دے اور رمضان والی زندگی گزارنا ہمارے لیے
हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे घर की मस्तूरात के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तो आसान फरमा दे, तो आसान फरमा दे, तो आसान फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, उम्मत बड़ी हालात में है, उम्मत बड़ी हालात में है। ए अल्लाह, तू देख रहा है, तू देख रहा है क्या हालात है उम्मत के, कहां किस तरह पिसी जा रही है, कहां किस तरह मिटाया जा रहा है, इसके खिलाफ क्या प्लान सोचे जा रहे हैं। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हमारी हर चीज खतरे में है, हमारी हर चीज खतरे में है। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी दावत की मेहनत, ए अल्लाह, हमारे कारोबार, हमारे औरतों की इज्जत आबरू सब खतरे में है। ए अल्लाह, हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, पेशानियां रगड़ते हैं, ए अल्लाह तो हमारी हिफाजत का फैसला फरमा दे, तो हमारी हिफाजत का फैसला फरमा दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, बदर का वाकया था, हालांकि बदर में लड़ना मकसूद नहीं था, अबू सुफियान के लश्कर को कमजोर करना मकसूद था। आपने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा, ये बताओ क्या करना है। सहाबा ने कहा, जो आप बताए हम करने के लिए तैयार है। फिर आपने फरमाया, ये दुश्मन यहां मरेगा, ये दुश्मन यहां मरेगा, ये दुश्मन यहां मरेगा। फिर आप झोपड़ी में तशरीफ ले गए और नमाज पढ़ने लगे और दुआ मांगने लगे, इतनी आजिज़ी के साथ दुआ कि आपके कंधे से चादर हट गई। सिद्दीक अकबर ने अपने बाहों में ले लिया, अल्लाह के नबी बस कीजिए, दुआ कबूल हो गई। पर आपने एक जुमला ये फरमाया, अल्लाहुम्मा इंतहलिक हादी लसाबा फलन तो बद फिल अर्द अबदा। ए अल्लाह, मुट्ठी भर लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत के बाद लेकर आया हूँ, अगर ये जमात हलाक हो गई, कयामत तक जमीन पर तेरा पूजने वाला कोई नहीं होगा। और आप अपनी जबान से सदाए बुलंद कर रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, बिरहमतिका नस्तगीस। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तुझे प्यारे नबी की बदर की दुआ का वास्ता और तुझे या हय्यो या हय्यो या कय्यूम की सदाओं का वास्ता, तो उम्मत का मुहाफिज बन जा, तो उम्मत का मुहाफिज बन जा, तो उम्मत का मुहाफिज बन जा। हमें इकरार है कि हमने तुझको नाराज किया है और ये तेरे नाराजगी के बादल हैं सब जो हालात है, लेकिन मौला, मौला हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, ये अल्लाह आजीजी करते हैं, हमें भी माफ फरमा और उम्मत को भी माफ फरमा। हमारा उम्मत का नौजवान बेकाबू हो चुका है, हमारी उम्मत की बच्चियां बेशर्म हो चुकी है और हमारी औरतें, ये अल्लाह, फैशन की दिल दादा बन गई है और हमारा मालदार माल के हवस में सूद में हाथ डालता है और हमारा गरीब दुनिया का पुजारी बन के जी रहा है। ए अल्लाह, बेशक ये सारी चीजें तुझे नाराज करने वाली है, लेकिन तू ही बता हम जाए तो कहां जाए। हमें मालूम है ये कदम इस काबिल नहीं कि तेरे दरबार में आए, ये हाथ इस काबिल नहीं कि तेरे सामने फैलाएं, ये जबान इस काबिल नहीं कि तेरे सामने कुछ कहें, मगर हमारा तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ए अल्लाह, तू बेसहारों का सहारा है, तू बेसहारों का सहारा है, उम्मत का सहारा बन जा, उम्मत का सहारा बन जा, मौजूदा हालात को दूर फरमा दे और आइंदा के खतरात से पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे सच्चे पक्के बंदों में हमें शामिल फरमा दे, मोमिनीन कामिलीन में हमें दाखिल फरमा दे, हमें तकवा दे दे, तेरा ताल्लुक दे दे, तेरी मोहब्बत दे दे, दीन की अजमत दे दे, हमें सुन्नत का शैदाई बना दे, हमें इस काबिल बना दे कि हशर के मैदान में हम तेरे महबूब को मुंह बता सके, तेरे महबूब को हम मुंह बता सके। अभी तो जिंदगी ऐसी है कि मुंह बताने के काबिल नहीं है। अल्लाह, अल्लाह, मसला तो आखिरत का है, दुनिया तो आज है कल खत्म हो जाएगी, अभी है थोड़ी देर के बाद चली जाएगी, लेकिन मसला आखिरत का है। ए अल्लाह, हमारे नक्शे आबादी के हैं और हमारे आमाल बर्बादी के हैं।
अल्लाह तू हमें सही समझ दे दे, तो हमें सही समझ दे दे, तो हमें सही समझ दे दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, इस मजमे में जो बीमार हो उनके घरों में, खानदान में, मोहल्ले में, सोसाइटी में या पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो बीमार हो, शिफाए कामिला, दाइमा, आजला, मुस्तमिर्रा, मुस्तकिल्ला नसीब फरमा। हर छोटी बड़ी बीमारी से, हर छोटी बड़ी आजमाइश से ये अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। हमारी औलादों को नेक और सालेह बना, हमारी आँखों की ठंडक बना। जो माँ बाप औलाद के लिए तरसते हैं उन्हें नेक सारे औलाद नसीब फरमा। जो माँ बाप अपनी औलाद की फरमा बरदारी के लिए तरसते हैं इनके औलादों को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, जो माँ बाप अपने औलाद के रिश्तों के बारे में फिक्रमंद हैं उनके उनके औलाद को नेक साले जोड़े नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिसकी जो जायद हाजत हो पूरा फरमा, जिसकी जो परेशानी हो दूर फरमा। असल तो करने वाली जात तेरी है, हमने असबाब को असल बना दिया, इसलिए तूने हमें असबाब के हवाले कर दिया। जाओ लो तुम्हारा सबब और हल करो तुम्हारा मसला। मौला, जैसे हजरत उमर ने कहा था, भूल हुई है हमसे भी भूल हुई है, और फौरन तूने रहमत के बादल भेजे हैं। अल्लाह, हम भी मुजरिम हैं, कसूरवार हैं। अल्लाह अपनी रहमत को भेज दे, अपनी रहमत को भेज दे, अपनी रहमत को भेज दे। अल्लाह, जब तक जिए ईमान पर जिए, जब तक जिए इस्लाम पर जिए, जब तक जिए तेरी रजामंदी वाली जिंदगी गुजारे, और जब मौत का वक्त आए कलमे शहादत पढ़ते हुए तेरी मुलाकात करे। दुनिया बकते बकते मरने से, एक्सीडेंट की मौत से, दवाखाने की मौत से ए अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। हमें हलाल पाक रोजी, बरकत वाली, आफियत वाली, वसत वाली नसीब फरमा। हराम लुकमों से, हराम कतरों से, हराम दानों से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मोतकीफीन के एतकाब को कबूल फरमा, मोतकीफीन के एतकाब को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, कहीं ऐसा न हो पूरे रमज़ान की इबादत पर ईद के दिन पानी फिर जाए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, बड़ी मुश्किल से नेकियां जमा हुई है। ए अल्लाह, ईद की खुशी, ए अल्लाह, कहीं ऐसी ना हो ऐसा कदम उठ जाए जिससे तू नाराज हो जाए और नेकियों पर आग लग जाए। उससे तो हमारी हिफाजत फरमा, हमारी मस्तूरात की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, हमारे जवान बच्चियों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे घर का माहौल इस्लामी बना दे, हमारे घर का माहौल इस्लामी बना दे, हमारा मिजाज ईमानी बना दे, शैतानी और हैवानी मिजाज से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे इन मजलिसों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमा, हमारे लिए हिदायत का जरिया बना। ए अल्लाह, इस मजलिसों में आने वालों पर और जमातों पर जिन्होंने यहाँ रहकर जो जो खिदमतें की है जानी माली, ए अल्लाह, उसका दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला मरहमत फरमा, बेहतर से बेहतर बदला मरहमत फरमा। ए अल्लाह, पूरे रमज़ान में तेरे नेक साले बंदों ने सिसकते हुए, बिलपते हुए, ए अल्लाह, तेरे सामने जो खैर की दुआएं मांगी है, ए अल्लाह, उनमें से जो हमारे लिए खैर हो, हमारे हक में, हमारी मस्तूरात के हक में, हमारे बच्चे बच्चियों के हक में, तो अपने करम से कबूल फरमा। ए अल्लाह, लाखों का मजमा तेरे दरबार में पहुंचा हुआ है, उम्रे के लिए पहुंचा हुआ है। ए अल्लाह, हम यहाँ हैं, हमारे लिए भी बार बार तेरे घर की जियारत करना, तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की हाजिरी हमारे लिए आफियत के साथ आसान फरमा, आसान फरमा, आसान फरमा। अभी जो मजमा पहुँचा है इनके उम्रों को कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। कितने खुश नसीब है जो अपने आँखों से तेरे घर को देख रहे हैं और अपने आँखों से आका के रोज़े को देख रहे हैं और रोज़े के पास खड़े होकर यूँ कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैके या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं, वो मवाक़े तो हमें भी नसीब फरमा, वो मवाक़े आफियत के साथ हमें भी नसीब फरमा, बार बार हाजिरी मुकद्दर फरमा। लेकिन मौला, हाजिरी उन दिलों की कैफियत के साथ जो तेरे नेक और सालेह बंदे दिलों की कैफियत को लेकर तेरे घर पहुँचते हैं, उन कैफियतों के साथ हाजिरी मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह,
जो कुछ मांगा अपने कर्म से अता फरमा, जो कुछ रह गया अपने कर्म से देने का फैसला फरमा। ए अल्लाह तेरे जाते आली के बाद हम पर अगर किसी का एहसान है, हमारे आका आजदार मदीना फखरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा काली कमली वाले, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारी औलादे आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह हम आपके एहसान का बदला नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं ए अल्लाह जितने बारिश के कतरे गिरे हैं कयामत तक गिरेंगे, और जितने दरख्तों के पत्ते उगे हैं कयामत तक उगेंगे, और जितने रेत के दाने चमके हैं और कयामत तक चमकेंगे। ए अल्लाह और जितने दरख्तों के पत्ते उगे हैं कयामत तक उगेंगे, उन सब की तादाद के बराबर हम में से एक एक का नाम लेकर हमारा आका की खिदमत में सलातो सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लदीन आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा या रब्ब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। ए अल्लाह प्यारे नबी अलैहि सलाम ने जो जो खैर मांगी हमें वो पूरी उम्मत को नसीब फरमा, जिन शुरूर से पना चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिन तेरे बंदो बंदियों ने दुआ के लिए कहा लिखा मुतवक्के रहे इनके मकासिद खैर में कामयाबी नसीब फरमा, जायद हाजतों को पूरा फरमा। करम है तेरा मौला, करम है आफियत के साथ तूने रमज़ान गुजरवा दिया, आफियत के साथ तरावी पढ़ने का मौका दिया, वरना पहले एक ज़माना आ चुका है घर से निकलना मुश्किल था, मस्जिद में आना मुश्किल था। तूने कहे अल्लाह खतरात तो बहुत थे लेकिन तूने आसानी की है, हमेशा के लिए आसानी का मामला फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين।